हेलो गाइस, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। रेडमी नोट 5 प्रो के लिए एमओए 13 का लेटेस्ट बिल्ड आ चुका है। इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और रोम की परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इसका लुक आप देख सकते हो। फर्स्ट लुक काफ़ी दिखने में काफ़ी स्मूथ, काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है। और इसकी आप व्यू ही देख सकते हो, काफ़ी इसमें आपको स्मूथ वगैरह देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो, कोई भी लैग वगैरह नहीं है स्क्रॉलिंग वगैरह में। और आप जाओगे इसका ऐप वॉलेट देखोगे तो काफ़ी अच्छा है। आपको 12.5 12.6 का जो मिलता है उस जगह देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको कैलेंडर, नोट्स वगैरह, जो भी छोटी मोटी फीचर्स, सेटिंग वगैरह है, स्क्रीन टाइम वगैरह, स्मार्ट डिवाइस वगैरह, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो इसका कंट्रोल सेंटर की बात करता हूँ, तो कंट्रोल सेंटर में आप देख सकते हो, तो आपको इसमें मीडिया बार का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि नया नया लेटेस्ट एमओए 13 का फीचर्स है। लेकिन ये है ही रोम एमओए 13 की है, लेकिन इसमें अभी तक कंट्रोल सेंटर यार इसमें एमओए 13 का दिया नहीं गया है। कि आपको पता ही है कि जो भी एमओए 13 का कंट्रोल सेंटर है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप वगैरह के सारे बटन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो खैर कोई नहीं, धीमे धीमे अपडेट दे रहे हैं तो हो जाएगा, आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको दिखा लेता हूँ मैं इसकी सेटिंग में चलकर इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है। उससे पहले आपको दिखा देता हूँ कौन सा वर्जन है ये। तो आप जाओगे माई अबाउट फोन के डिवाइस में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 22.1.13 बीटा अपडेट है, जो कि आज ही रोल आउट हुआ है रेडमी नोट 5 प्रो के लिए। उसके बाद में ऑल स्पेक्स में चलते हैं, आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच वगैरह सब कुछ दिखा देता हूँ। देख सकते हो एंड्रॉइड 11 का आपको इसके अंदर वर्जन देखने को मिल जाता है। उसके बाद में आप सिक्योरिटी पैच की बात करें, तो आपको लेटेस्ट जनवरी का इसमें देखने को मिलता है। इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, काफ़ी अच्छा दिया है। और इसमें आप देख सकते हो, इसमें आपको जो कर्नल की बात करें, तो एक्सपेक्ट कर्नल आपको 4.4 ओल्ड कैम के ऊपर मिलता है, जो काफ़ी अच्छा कर्नल इन्होंने दिया गया। और आप नीचे स्टोरेज वगैरह ये छोटा मोटा जो भी है आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं इसमें आपको सेटिंग में ले जाके, तो नेटवर्क वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल वर्किंग है। वाईफाई में आप जाओगे तो ये भी बिल्कुल वर्किंग है, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे कनेक्टिविटी एकदम प्रॉपरली काम कर रहा है, कोई बग्स देखने को नहीं मिलता है। वॉलपेपर के अंदर आप जैसे जाओगे, यहाँ पे वॉलपेपर कौन कौन से देखने को मिल जाते हैं उसके बारे में अपन बात कर लेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाओगे, आपको मैं अलाउ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे तो आपको क्लॉक का स्टाइल्स देखने को मिल जाता है, जो कि आप क्लॉक की स्टाइल यहाँ से आप चेंज वगैरह कर सकते हो इजीली। उसके बाद में आपको यहाँ पे एओडी का फीचर्स है, लेकिन फिलहाल इसमें इनेबल नहीं किया गया है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, आपको यहाँ पे आइकन पैक्स की साइज छोटी बड़ी करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आप आइकन पैक्स की साइज छोटी बड़ी कर सकते हो। इसके अंदर डिफॉल्ट के अंदर जाओगे तो आपको फोर्थ थीम देखने को मिलती है, क्लासिक लिमिटलेस, और डिफॉल्ट में आपको मिल जाती है क्लासिक वाली थीम। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको फॉन्ट हो गया, रिंगटोन वगैरह, अलार्म वगैरह सब कुछ यहाँ से आप अपना चेंज वगैरह कर सकते हो। उसके बाद में नीचे चलते हैं, आपको दिखा लेता हूँ और क्या क्या इसमें सेटिंग मिलती है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर दिया जाओगे तो आप देख सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वहाँ से इनेबल नहीं है, यहाँ से आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको यहाँ से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इनेबल हो जाएगा, तो आपको यहाँ से अंदर से इनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद देख सकते हो नीचे आपको ऑनलाइन डाउनलोड आइटम का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा है। कोई सी भी आप इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अप्लाई कर सकते हो, सब प्रॉपरली वर्क कर रही है, कुछ भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको डिसेबल कर लोगे तो वहाँ से नहीं होगा, अगर आप इसको इनेबल करके रखोगे तो आप थीम ऐप से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन इफेक्ट भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो इस तरह से आप जो भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लगाओगे तो इस तरह का देखने को मिलेगा। तो नीचे आपको देख सकते हो स्लीप का टाइम मिल जाता है, डबल टैप टू वीक स्क्रीन प्रॉपरली काम कर रहा है, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। नीचे आपको क्लॉक स्टाइल जो मैंने दिखाया था एप्स के थीम एप्स में ले जाके, वही आपको मिलती है। चार्जिंग एनिमेशन मिल जाती है, और इसमें आपको थ्री टाइप की चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाती है, जो कि प्रॉपरली वर्क कर रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको पॉकेट मोड और लंच कैमरा का भी मिल जाता है फीचर्स, तो काफ़ी अच्छा है। डिस्प्ले के अंदर जाओगे तो लाइट मोड और डार्क मोड भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको ब्राइटिश लेवल, एंटी फेकर मोड भी मिल जाता है, जो एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इसमें आप रेगुलर वगैरह जो भी आप रखना चाहते हो कस्टमाइज अपने हिसाब से कर सकते हो। नीचे आपको रीडिंग मोड और यहाँ पे आपको कलर का भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। नीचे आपको बहुत सारी सेटिंग मिल जाती है, वार्म हो गया, कूल हो गया और कस्टम, जो भी आपको अच्छा लगे आप इसमें सिंपल सी कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो। जो भी आपको कलर कस्टमाइज करना चाहते हो तो सिंपल सी आपको इसमें कर सकते हो। यहाँ पे आप जाओगे तो जो भी अच्छा लगता है आपको, डिफॉल्ट पे रखना चाहते हो तो डिफॉल्ट पे आप इसको रख सकते हो। उसके बाद में रिफ्रेश रेट की बात करते हो, 60 हर्ट्ज का आपको इसका पैनल है, तो वही रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। ग्लोबी मोड मिल जाता है, फॉन्ट सेटिंग मिल जाता है, और नीचे आपको अलाउ ऑल रोटेट का भी मिल जाता है। यहाँ पे कंट्रोल सेंटर स्टेटस बार हो गया, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लॉक स्क्रीन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है इसमें। उसके बाद में साउंड एंड वाइब्रेशन की इसमें बात करें, साउंड क्वालिटी कितनी तेज है तो आपको दिखा लेता हूँ। तो आप देख सकते हो साउंड क्वालिटी काफ़ी बेहतर मिल जाती है, और साउंड असिस्टेंट का भी ऑप्शन मिलता है, जो मल्टीपल ऑडियो सोर्सेज वगैरह आप इसको इनेबल रखोगे तो साउंड क्वालिटी आपकी काफ़ी इंप्रूव होने वाली है इससे। उसके बाद में साइलेंट मीडिया और ये सब कुछ मोड मिल जाता है। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे शेड्यूल टाइम वगैरह और डिवाइस लॉक डोर, और यहाँ पे आपको रिपीट कॉल का भी मिलता है ऑप्शन, वाइब्रेट रिंगिंग साथ में चाहिए आपको ये भी कर सकते हो। प्रोफाइल वीडियो कॉलिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे आपको। उसके बाद में एडिशनल सेटिंग में आप जैसे जाओगे तो आपको जिसका भी टैब साउंड ऑन ऑफ करना है जो कर सकते हो। अगर देख सकते हो प्ले साउंड लॉकिंग का चाहिए या
चार्जिंग साउंड चाहिए, साइलेंट मोड का साउंड चाहिए, आपको इंस्टॉलिंग ऐप्स का चाहिए, जो भी डिलीटिंग साउंड जो भी चाहिए, जो भी चीज़ का साउंड ऑन करना है ऑफ करना है यहाँ से आप कर सकते हो साउंड के अंदर से। यहाँ से आपको हेडफोन का आपको ऑप्शन मिलता है जो म्यूजिक प्लेबैक का आप इसमें कर सकते हो। उसके बाद में आप नीचे जाओगे साउंड इफेक्ट वगैरह में, जैसे कि मैंने आपको दिखा लिया वैसे सेटिंग, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इफेक्ट के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका बटन का भी ऑप्शन हेडफोन डिटेक्ट करोगे आप लगाओगे तब ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। उसके बाद में एडिशनल सेटिंग में और तो आपको इसमें कुछ देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हैं, यहाँ पे आपको जाएंगे नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में, तो यहाँ पे आपको देख सकते हो एनिमेशन वापस देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको नीचे आप जैसे तो ऑल और नया वाला कंट्रोल सेंटर आपको देखने को मिल जाता है, नोटिफिकेशन शेयर भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है, जो एमओए का चाहिए या एंड्रॉइड का चाहिए जो भी आपको चाहिए सिंपल से इनेबल कर सकते हो। कंट्रोल सेंटर आप देख सकते हो ओल्ड नया जो भी चाहिए सिंपल से आप इसको इनेबल कर सकते हो, ये ओल्ड वाला हो चुका है, नया वाला करना चाहो तो ये वापस नया वाला इनेबल हो जाएगा, तो इस तरह से आप यहाँ से कर सकते हो। नीचे आप जो स्विच टू कंट्रोल सेंटर साइड और कोलास आफ्टर टच का भी आपको ऑप्शन मिलता है, और आपको यहाँ पे स्मार्ट होम की वगैरह और आइटम शो द लॉक स्क्रीन आफ्टर स्वाइप डाउन, तो ये भी आपको मिल जाता है, स्मार्ट की का भी मिल जाता है, और कंट्रोल सेंटर नोटिफिकेशन शेयर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप जाओगे इटरेशन बार में तो 4G आइकन यहाँ से इनेबल कर सकते हो, सो स्पीड कनेक्शन इनेबल कर सकते हो, सब कुछ प्रॉपरली वर्क है, और बैटरी का आपको 4th आइकन एनिमेशन इसमें देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है यार, काफ़ी अच्छा आपको UI देखने को मिल जाता है। होम स्क्रीन के अंदर आप जैसे जाओगे तो डिफॉल्ट लॉन्चर मिलता है, नेविगेशन आपको यहाँ मिल जाता है, जो बटन्स आपको इनेबल करोगे तो बटन्स आपको लेटेस्ट देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप इस तरह से बड़े बड़े बटन देखने को मिलते हैं। नीचे आपको शॉर्टकट वगैरह ऑटोमेटिक डिसेबल नेविगेशन बार भी सेटिंग कर सकते हो, गेस्टेस के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे वापस तो आप यहाँ पे फुल इंडिकेटर्स को हाइड कर सकते हो, स्वाइप टू गूगल असिस्टेंट को इनेबल करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हैं, यहाँ पे गूगल सर्च बार की तो वैसे डिस्प्ले पे इनेबल मिल जाता है, नॉर्मल और गूगल बार जो भी आपको दोनों इसमें जो भी आपको अच्छा लगे सिंपल से आप उसको इनेबल कर सकते हो। उसके बाद में आप नीचे देखते हो तो अगर आप जो आइकन पैक्स का जो यहाँ पे जो टेक्स्ट दिख रहे हैं इनको आप बंद करना चाहते हो, टेक्स्ट अगर आपको नहीं रखने हैं तो आप सिंपल से इसको ऑन कर लोगे तो टेक्स्ट आपका यहाँ पे देख सकते हो ऑफ हो चुका है। तो इस तरह का ये है, टेक्स्ट अगर आप ऑफ करना चाहते हो तो टेक्स्ट यहाँ से आप ऑफ कर सकते हो, वापस इनेबल करना चाहते हो तो इस सेटिंग को आप ऑफ कर लोगे तो वापस ये टेक्स्ट वगैरह इन डिसेबल कर लोगे तो ये टेक्स्ट वापस आ जाएंगे। डबल टैप टू लॉक स्क्रीन प्रॉपरली वर्क कर रहा है, और यहाँ पे आपको इसमें साइज ज़्यादा तो देखने को नहीं मिलती है, फिर भी आपको मिल जाती है 6 सेटिंग इसमें मिल जाती है। एप्स आइकन की साइज आप छोटी बड़ी यहाँ से कर सकते हो, जैसे मैंने आपको दिखाया था यहाँ से आप कर सकते हो मैनेज, और हाइड एप्स आइकन भी आप यहाँ से कर सकते हो जिसको हाइड करना चाहते हो। नीचे आपको अरेंज आइटम रिसेंट मेन्यू हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये आपको देखने को मिल जाते हैं। बलर ऐप परव्यू का भी आपको मिलता है, शो सजेशन का भी इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है होम सेटिंग के अंदर, तो काफ़ी सारे फीचर्स है, और फिंगरप्रिंट प्रॉपरली वर्क कर रहा है, फेस अनलॉक भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है, काफ़ी फास्ट है, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, काफ़ी फास्ट है। एमरजेंसी SOS मिल जाता है, और नीचे आपको सेकंड स्पेस और प्राइवेसी डिस्प्ले लॉक वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन के अंदर आप जाओगे यहाँ पे तो आपको दिखा देता हूँ प्राइवेसी प्रोटेक्शन में आपने कौन से ऐप्स को कौन सी दे रखी है, हाई रिस्क वगैरह, प्राइवेट स्पेस सब कुछ यहाँ से बना सकते हो, ऐप्स लॉक लगा सकते हो, पासवर्ड वगैरह, और यहाँ पे सेकंड स्पेस और डबल ऐप्स सारे आप यहाँ से क्रिएट वगैरह कर सकते हो, ऐप लोकेशन वगैरह एक्सेस कर सकते हो। बैटरी की बात करें तो यार बैटरी आपको इसमें पूरा UI एकदम नया देखने को मिलता है, जो कि लेटेस्ट है MIUI 13 का, सेव बैलेंस और परफॉर्मेंस इस हिसाब से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। नीचे भी आपको स्क्रीन ऑन टाइम वगैरह सब कुछ आप देख सकते हो। बैटरी के ऊपर जाओगे कूलिंग है, बैटरी का टेम्परेचर नॉर्मल इस तरह का आपको यहाँ पे दिखाया गया, शेड्यूल का भी मिल जाता है बैटरी का, आप ऑलमोस्ट टास्क का भी इसमें ऑप्शन दिया गया। ऐप्स की बात करते हैं तो मैनेज ऐप्स, सिस्टम ऐप्स, डबल ऐप्स और परमिशन और ऐप्स लॉक का भी आपको सेटिंग में इसमें सिस्टम देखने को मिल जाता है। एडिशनल सेटिंग की बात करते हैं, लैंग्वेज हो गया, डाइट टाइम, रीजन वगैरह चेंज कर सकते हो, इग्नोर एक्सीडेंटली टच एरिया को भी आप अपने हिसाब से बग छोटा एरिया स्मॉल कस्टम कर सकते हो। गेस्चर शॉर्टकट का भी ऑप्शन मिलता है, जो गेस्चर को आप शॉर्टकट कर सकते हो, जैसे कि 3 आपको फिंगर का स्क्रीन शॉट चाहिए तो आप देख सकते हो इस तरह से आप इसको इनेबल वगैरह कर सकते हो, तो ये भी आपको सेटिंग इसमें मिल जाती है 3 फिंगर्स की, और वॉल्यूम डाउन का भी इसमें आपको मिल जाता है। नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे 3 फिंगर्स का हो गया, उसके बाद में आपको यहाँ पे देख सकते हो फ्रेस द 3 फिंगर, ये पे आपको पावर बटन के ऊपर ये भी आपको इसमें मिल जाता है, तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो। कैमरा लंच का भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, टच द टॉर्च वगैरह, डबल फ्रेस टू टॉर्च आपको इनेबल करनी है तो ये भी आपको फीचर्स यहाँ पे मिल जाएगा, और उसके बाद में लंच कैमरा को रखना है आपको तो ये भी डबल टैप टू ये भी आपको इसमें मिल जाएगा। जैसे इनेबल कर दो इन सबको तो बटन को डबल टैप करोगे सारे अपने डबल बटन बस टैप के ऊपर इनेबल वगैरह हो जाएगा, कैमरा डबल टैप करोगे कैमरा इनेबल हो जाएगा, या फिर गूगल असिस्टेंट का मिल जाता है, जैसे आप प्रेस करोगे देख सकते हो
प्रेस होल्ड द बटन पावर बटन, ठीक है, तो ये भी आपका इनेबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप बटन्स के ऊपर वगैरह सब कुछ इसमें आपको गैसेस शॉर्टकट कर सकते हो। एलईडी क्यूक बोल हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो क्यूक बोल आप इनेबल कर सकते हो, यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हो। क्लियर स्पीकर का भी मिलता है, स्पीकर में कोई डस्ट वगैरह हो तो ये देख सकते हो लंबी सी एक बीम बजाता है, तो इससे क्या होता है डस्ट वगैरह होता है जो रिमूव हो जाता है, शाओमी कहता है ऐसा। शॉर्टकट फ्रॉम लॉक स्क्रीन का भी कर सकते हो, एसेबिलिटी मेन्यू का भी सेटिंग मिलता है, इसको भी आप शॉर्टकट में कर सकते हो, सारी शॉर्टकट की सेटिंग यहाँ मिलती है। ब्यूटीफुल वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन मिलता है और मेमोरी एक्सटेंशन का भी फीचर्स आपको इसमें मिल जाता है, जो कि आपको इसको इनेबल रखना चाहिए, तो काफी अच्छी मेमोरी आपको मैनेजमेंट मिलने वाली है। नीचे आपको फैक्ट्री रीसेट साउंड इफेक्ट वापस इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन ऑन टाइम वगैरह हो गया, यहाँ से आप इसको एग्री करोगे तो देख सकते हो डिवाइस ने 8 मिनट वगैरह कितनी बार लॉक किया, डिवाइस को कितनी बार फर्स्ट लॉक कब किया है और नोटिफिकेशन कितनी आई है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद में जैसे बात करते हैं यहाँ पे आपको इस वर्ष फीचर्स में ले चलता हूँ, तो स्लाइडर बार का ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप इसको इनेबल वगैरह कर सकते हो और इसकी पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हो, राइट लेफ्ट जो भी आपको करना है, तो सिंपल सी इसकी पोजीशन भी आप यहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पोजीशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो इसकी पोजीशन आप राइट है अभी लेफ्ट हो जाएगी इधर, आप यहाँ पर देख सकते हो एरो इधर आ चुका है, ये एरो इधर, ठीक है, ये देख सकते हो इधर से इनेबल हो गया। अब इसकी पोजीशन लेफ्ट में करनी है वापस, तो ये देख सकते हो इस तरह से ये इधर आ चुका, तो ये आपको इसकी पोजीशन वगैरह राइट लेफ्ट आप यहाँ से इजीली से कर सकते हो। गेम एड्स कर सकते हो, वीडियो एप्स वगैरह सारे इसमें ऐड कर सकते हो। फ्लोटिंग विंडो, सेकंड स्पेस सारे इसमें, फ्रंट कैमरा असिस्टेंट सब कुछ मिलते हैं, गूगल सर्विस मिल जाती है, गूगल अकाउंट, प्राइवेसी और नीचे आपको लोकेशन भी इसमें देखने को मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छी रोम यार देख सकते हो, स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ है जैसे कि आप देख सकते हो। अब इसकी बात करते हैं कैमरा क्वालिटी की, फिर बात करेंगे ऐप्स ओपनिंग कैसी इसकी, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कैमरा क्वालिटी नॉर्मल मोड की फोटो है, तो शटर स्पीड काफ़ी फास्ट है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्वालिटी आप कैमरा देख सकते हो। रेडमी नोट 5 प्रो का वाटरमार्क मिलता है और कैमरा क्वालिटी आपको इसमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, जो कि पिक्स में जूम करने के ऊपर भी नहीं फट रही है, क्वालिटी डिक्रीज नहीं हो रही, तो काफ़ी इसमें आपको अच्छी मिल जाती है। अब आपको AI मोड में दिखा देता हूँ क्वालिटी, AI मोड में भी आप देख सकते हो काफ़ी है और शटर स्पीड भी काफ़ी फास्ट है, तो क्वालिटी आपके सामने है, तो काफ़ी अच्छी आपको क्वालिटी मिलती है, क्वालिटी के रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं मिलेगी। उसके बाद में आपको शॉर्ट वीडियो मिल जाता है और यहाँ पे वीडियो में आपको क्वालिटी कौन सी मिलती है, तो यहाँ पे सेटिंग के अंदर जाओगे आप, तो इसमें आपको 4K 30 FPS का इसमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है वीडियो क्वालिटी में, और आपको टाइम लैप्स सारे इसमें आपको फीचर्स मिलते हैं छोटे मोटे जो भी है Xiaomi के फोन में जो भी आते हैं। यहाँ पे पोर्ट्रेट मिल जाता है, स्क्वायर मिल जाता है, पैरानोरमा सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो एक फोटो अपन HDR मोड में लेके देखते हैं, ठीक है, ऑटो ऑन कर लेते हैं, HDR मोड प्लस AI दोनों काम करेंगे आपका, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी शटर स्पीड मतलब स्लो हो जाती, थोड़ी सी होती, ज्यादा नहीं, तो क्वालिटी आपको दिखा देता है फोटो की HDR प्लस AI की, तो आप देख सकते हो काफी डार्क फोटो आई है और काफी अच्छी आपको डिटेलिंग फोटो में देखने को मिल रही है, तो काफी अच्छी रोम लगी यार मुझे, तो इसको यूज कर सकते हो। प्ले स्टोर आपको सर्टिफाइड मिलता है, ठीक है, इसमें सब कुछ है, कोई भी नहीं है इसमें, ठीक है। सेफ्टी नेट भी पास मिलता है विदाउट रूट पे, और इसके आपको मैं गैलरी वगैरह भी दिखा लेता हूँ कि गैलरी में जूम इन जूम आउट वाला ऑप्शन है या नहीं है, और फिल्टर में आपको क्या क्या दिया गया है, तो आप देख सकते हो जूम इन जूम आउट वाला ऑप्शन इसमें है और प्रॉपरली वर्क कर रहा है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी, देख सकते हो इस तरह से। और उसके बाद में एडिट इमेज में चलते हैं, कौन कौन से आपको फिल्टर देखने को मिलते थे और इसमें सेटिंग में क्या कुछ नया दिया है उसके बारे में बात करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हो फिल्टर के अंदर आप जाओगे तो सारे इसमें पोर्ट्रेट फूड वगैरह जो भी Xiaomi का है सारे इसमें मिल जाते हैं, और आपको इसमें स्टिकर वगैरह भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्टिकर वगैरह फोटो को एडिट वगैरह कर रहे हो तो इसको यहाँ से सेव कर सकते हो गैलरी में, और यहाँ पे आपको फ्रेम सेट करना है, कुछ भी करना है तो सब कुछ करके सिंपल से सेव कर लोगे, कर लोगे। यहाँ से ब्यूटी का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको ये सारे फिल्टर जो भी है डाउनलोड नहीं है तो आपको इसको डाउनलोड करने पड़ेगा, तो काफी अच्छी रोम है यार, इसको यूज करना है तो आप ऑरेंज फॉक्स रिकवरी से इसका यूज कर सकते हो इजीली, कोई भी प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ऐप ओपनिंग दिखा लेता हूं मैं, सेटिंग देख सकते हो, कैमरा देख सकते हो काफी फास्ट ओपन हो रहा है, सिक्योरिटी एप्स देख सकते हो जो भी है, मतलब काफी फास्ट रिस्पॉन्स कर रहा है जो भी एप्लीकेशन मैं ऑन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो काफी फास्ट ओपन हो जा रहा है, और गैलरी को आप दिखा देता हूँ, गैलरी भी काफी फास्ट ओपन हो रही है, और भी एप्लीकेशन है जो करके दिखाता हूँ आपको, ये चाइनीज एप्लीकेशन है, आप इनको अनइंस्टॉल भी यहाँ से आप कर सकते हो अगर आपको नहीं चाहिए तो, देख सकते हो, ठीक है, कोई इसमें प्री इंस्टॉल आपको देखने को नहीं मिलेगी, प्ले स्टोर आपको इसमें मिल जाता है जो सर्टिफाई मिल जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो सेफ्टी नेट पास मिलता है विदाउट रूट पे, और फेसबुक भी आपको इसमें सब कुछ प्री इंस्टॉल ऐप्स मिलते हैं, तो आप इसको काफी फास्ट स्पीड है, कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम वगैरह देखने को नहीं होगी। बस वीडियो यही तक था, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज एक लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आपको जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।